नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी खुशी का रीज़न है ये, देखिए, ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक जो कि मेरे पापा ने मुझे दिवाली पे गिफ्ट दिया है। और मेरा दिवाली गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप देखेंगे, आपका भी पूरा मन बन जाएगा, पूरा मूड हो जाएगा कि आप भी ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक ले लें। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। देखिए, मैंने एक बार इसे ओपन कर रखा है, खोल लिया था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं रह ही नहीं पाई। मैं इसे खोल के एक बार देख चुकी हूँ। इस तरीके से हम इसे बॉक्स से बाहर कर लेते हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। पॉलीथीन से भी मैं इसे बाहर कर लेती हूँ। ये देखिए, आप भी ऐसा ज़रूर ले लीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। और ये 749 रुपये का है, और जैसे कि दाम है इसका, वैसे इसका काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से देखिए, ऐसे ओपन करना है हमें, यहाँ से इस तरीके से, और जितना चाहें आप उतना रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इधर साइड यहाँ तक ये हो जाता है। तो आप इसे इसी तरीके से कर लीजिएगा, और फ़ोन आपको यहाँ पे फंसा देना है। देखिए ऐसे, यहाँ से और यहाँ से, इधर साइड से खोल लेना है। और ये देखिए, ये ऊपर भी होता है, यहाँ पे आपको ट्राइपॉड दिया जाता है फ़ोन फंसाने के लिए। तो आप यहाँ पे इजीली फ़ोन फंसा सकते हैं। और इसके साथ दिया जाता है एक रिमोट, ये देखिए ब्लूटूथ रिमोट है। यहाँ से मैं इसको निकाल लेती हूँ, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए इसका रिमोट, ये इसे रखते हैं हम। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये ब्लॉग बनाने के लिए। इस तरीके से देखिए, आप ब्लॉग इजीली बना सकते हैं और सेल्फी भी ले सकते हैं। मैं आपको भी सेल्फी लेके भी दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये इस तरीके से। और इसे मैं अंदर कर दी हूँ फिर से। और ये देखिए ट्राइपॉड आपको कितना अच्छा मिल जाता है यहाँ से, छोटा ट्राइपॉड, जैसे कि आप कभी भी सेल्फी वीडियो कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से। और फ़ोन कैसे फंसाना है वो तो सभी जानते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोन फंसा लेना है। और ब्लूटूथ आपको कनेक्ट इससे करना है, देखिए चालू करके दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से कि आपको दबा के रखना है, और ब्लू कलर की इसमें लाइट जल जाती है। तो जब ये ब्लू कलर वाली लाइट जल जाए तो आप समझ लीजिए कि बस ऑन हो चुका है। तो अब मैं इसे फ़ोन से कनेक्ट कर देती हूँ इस तरीके से। मुझे बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया है, और उसके बाद अब हम सेल्फी लेंगे इस तरीके से। देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे दिख रही हूँ ना मैं आपको, तो बस यहाँ पे मैं इसको फंसा लेती हूँ। मैंने इसे देखिए फंसा लिया है, और मैं आपको इस फ़ोन में दिख रही हूँगी ना, और मैं आपको अब सेल्फी लेके दिखाती हूँ इस ब्लूटूथ रिमोट से। यहाँ पे मैं ले रखी हूँ, देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी मैं टच नहीं कर रही हूँ यहाँ से। बस आप कहीं पे भी इस रिमोट को ले रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अभी सेल्फी, ये देखिए सेल्फी हो गई ना, हो गई सेल्फी। मैंने दो सेल्फी ले रखे हैं, मैं और लेके आपको दिखा देती हूँ। बहुत आसान है, आप कहीं भी इसको लेके सेल्फी ले सकते हैं। और सेल्फी आपको जैसे कि दूर बैठ के लेना है वो भी आप कैसे ले सकते हैं। ये तो मैंने ट्राइपॉड बना दिया था इस तरीके से, आपको यहाँ से देखिए ऐसे बड़ा कर लेना है, और यहाँ से आपको इधर साइड ऐसे कर लेना है। देखिए आप इससे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं और सेल्फी भी बहुत ही प्यारी सी ले सकते हैं इस तरीके से। ये इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप ऐसे ज़रूर ले लीजिएगा सेल्फी को इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं दिख रही हूँ ना आपको, तो मैंने इसलिए ऐसे रखा था कि अच्छी तरीके से इसमें दिख सकूँ। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी सेल्फी कैसे ले सकते हैं बड़ा करके। तो इस तरीके से आप सेल्फी ले सकते हैं, और वीडियो आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। यहाँ पे हमें देखिए फ़ोटो से वीडियो पे कर देना है, इसे वीडियो पे कर देती हूँ इस तरीके से। और फिर से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रिमोट ले रखा है, रिमोट से हम वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए हमारा वीडियो स्टार्ट हो गया। अब मैं कुछ भी यहाँ पे बोलूँगी, कुछ भी आप भी बोलिए। जैसे आपको बनाना है तो आप इस ब्लूटूथ रिमोट से बटन को ऑन कर दीजिए, और बस फटाफट से आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो गई। और फिर से आप इसे दबाएंगे तो बस आपकी वीडियो फटाफट से अंदर सेव हो गई। तो आप जब चाहें इजीली ऐसे वीडियो बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसके साथ एक पर्ची दी गई है,
वो मैं आपको दिखाती हूँ पर्ची को। फोन को हम हटा लेते हैं, पर्ची को देखिए, ये पर्ची इसमें मिल जाती है। और अगर आपको ये ट्राइपॉड चलाना नहीं आता कि आप इसे कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए देखिए कुछ लोग एक्साइटेड होकर खरीद लेते हैं, बट आप अगर ऑनलाइन परचेस करके ले लेंगे तो आप इस पर्ची में आप इजीली पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। आप आसानी से इस ट्राइपॉड को चलाना सीख लेंगे, आपको कैसे चलाना है कैसे नहीं सब समझ जाएंगे। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बना ली है, बना ही दी है कि आप फ़ोन कहाँ फंसाएं, किस तरीके से आपको ऐसे देखिए यूँ सेल्फी लेना है, ऐसे बड़ी करके आपको वीडियो कैसे बनाना है छोटा ट्राइपॉड बना के, इस तरीके से सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, इस पर्ची में सारी जानकारी आपको दी गई है, पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आप भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये, तो इसे रखते हैं हम साइड में। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी के पास, आपके फ्रेंडों के पास भी ऐसा ही ट्राइपॉड हो, तो आप शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो इसे हम इस तरीके से देखिए बंद कर लेते हैं, इधर से बंद करना है हमें। सबसे पहले तो हम इसमें इसका रिमोट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल जाता है हमें लगाने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से रिमोट को हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे लगा देना है। देखिए लग गया ना, अच्छी तरीके से हो गया। हम इसे यहाँ से ऐसे कर लेती हूँ, आपको लंबा भी यहाँ से ऐसे कर देना होगा। कितना अच्छा है ना, ट्राइपॉड भी हमें मिल जाता है और सेल्फी लेने के लिए भी मिल जाता है, किसी की सेल्फी की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं और देखिए इसे बस लॉक हो गया। छोटा सा ट्राइपॉड है, आप कहीं पे भी लेके इसे जा सकते हैं, कहीं पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतना अच्छा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दिए बेल आइकन की छोटी सी घंटी होगी, उसे भी आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों को मेरे पापा की गिफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।